सभी को नमस्कार। आप लोग अपने KVS इंटरव्यू की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे और इस दौरान कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स मेरे पास आए हैं और उसमें उनका एक डाउट है कि हम इंटरव्यू पे जब जाएंगे तो अपने साथ क्या हम TLM ले जा सकते हैं, लेसन प्लान बना के ले जाएं, या हम वहाँ पे क्या ICT यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बात कुछ ऐसी है कि आप लेसन प्लान आज भले ही बना लो बट डेमो टॉपिक आपको मिलेगा क्या, इंटरव्यू वाला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने को देगा, इसके बारे में आप नहीं जानते। इसलिए अगर आप एक लॉजिकली एक बात देखो तो TLM अपने साथ ले जाने की और लेसन प्लान बना के ले जाने का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि आपको टॉपिक का पता ही नहीं है। अपनी तरफ से आप कुछ भी बना लो, वहाँ जाके वो कुछ भी चेंज कर देगा। हाँ, वो अगर आपको ऑप्शन दे देता है तो बेहतर ये रहेगा कि कुछ अपने टॉपिक्स हैं क्लास 11 और अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो 11 और 12 के कुछ 6-6, 7-7 टॉपिक 11 और 12 दोनों से मिला के, यानी 10-12 टॉपिक अपने अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और 10-12 में कैसे आइडिया बता रहा हूँ, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतने करें, जितना ज़्यादा करोगे इतना ज़्यादा बेहतर है। TGT के लिए कर रहे हो तो क्लास 6-10 का जो सिलेबस आपके सब्जेक्ट का उसको आप देख लें, और PRT के लिए तो आपको जो है कोई फिक्स सिलेबस है ही नहीं, और PRT के इंटरव्यू अभी आए भी नहीं, आने वाले हैं। तो कहने की बात है कि आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, कोई टॉपिक है उसको अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, ताकि उसमें जब आप डेमो दें तो आराम से उसका डेमो दे सकें, कॉन्फिडेंस का डेमो दे सकें। डेमो में TLM क्योंकि आप वहाँ ले जा नहीं सकते, क्योंकि अचानक से आपको टॉपिक मिलेगा, बेहतर ये है कि जब आप डेमो दें तो डेमो के अंदर आप एग्जांपल्स ऐसे यूज़ करना कि जो आपके सामने बैठे हैं वो भले ही आपके सब्जेक्ट के ना हो, उनको ये लगे अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये टीचर तो बहुत आसान तरीके से समझा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, और ऐसे सबसे बेहतर एग्जाम्पल होते हैं डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल। बच्चा उस चीज़ को अपनी डेली जिंदगी में देखता है बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं जानता, तो वो चीज़ें आपको एग्जाम्पल के रूप में लेनी है। अगर आप उनको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो आपकी जो टीचिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। TLM अगर आप वो क्या है जो इंटरव्यू रूम होगा वहाँ पर अगर कोई ऐसा मटेरियल हो तो आप इंटरव्यू मेंबर से परमिशन मांग के कि सर कैन आई यूज़ दिस एज ए TLM, तो आप ऐसा कर सकते हो। कई बार होता भी ऐसा है कि जो इंटरव्यू वाले हैं वो कोई भी एक रूम में से किसी भी ऑब्जेक्ट उठा के आपके सामने रख देंगे, बोलेंगे कि इसको TLM के रूप में यूज़ करो, कैसे करोगे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, तो कुछ प्रीडिफाइंड नहीं है, और प्रीडिफाइंड नहीं है इसलिए आप अपने साथ क्या ले जाओगे ये भी फिक्स नहीं है, तो अपने साथ कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए जो अच्छे से अरेंज्ड हों। अस्त व्यस्त डॉक्यूमेंट ले जाओगे तो वेरिफिकेशन के दौरान आपको समस्या होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप सीरियल वाइज लगा ले, क्लास 10 ऑनवर्ड जितने भी आपकी मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी जो है पोस्ट के लिए उसके जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं और या फिर मार्कशीट हैं, उनको आप अच्छे से अरेंज कर लें एक फाइल के अंदर। और जो रही बात बायोडाटा की, तो बायोडाटा में भी काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इस बार जो बायोडाटा का फॉर्मेट है उसमें स्पेस कम है, तो उसमें हम अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप सेम फॉर्मेट को आप प्रिंट करवा लें और उसको हाथ से फिल कर लें, और उसकी 5 कॉपी बनाएंगे तो 5 की 5 जो कॉपीज़ हैं उनको आप हाथ से फिल कर लें, और हर कॉपी के टॉप के ऊपर आप अपने एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो, या फिर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो फ़ोटोग्राफ लगाया था वो फ़ोटोग्राफ आप उस पर लगा लें। अब कुछ साथी ये बोलते हैं कि हाथ से ही लिखना ज़रूरी है। देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हाथ से लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग का और आपकी क्रिएटिविटी का पता लग जाएगा, आप टाइप भी करवा सकते हो। ठीक है, मैं तो खुद अपना अगर बात करूं तो मैं हाथ से लिख के लेके गया था, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हाथ से लिख के ले जाइए, आप टाइप भी करवा सकते हो। तो उस बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला कि आपको हाथ से लिखना है या टाइप करवाना है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो काम कर लीजिए। स्पेशल अचीवमेंट्स का एक कॉलम है, उसमें बोलते हैं कि क्या भरें, हमारा तो ऐसा कोई अचीवमेंट ही नहीं है, तो कोई अचीवमेंट नहीं है तो उसमें वो भरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उस पोस्ट के लिए जितनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आप उसको प्रायोरिटी दीजिए फिल करने में। एक्स्ट्रा आप नहीं दिखाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और दिखा दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दिखा दो तो इंटरव्यू वाला उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जो कुछ डालेंगे इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं इंटरव्यू वाले, और आपकी इंटरव्यू की जो दिशा है वो इसी से निर्धारित हो जाएगी। अब कई कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर आप अपना दिखा दीजिए,
कई पुराने के वी टीचर हैं वो अपना दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके फिल किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट बोलने वाला हूँ कि अगर आप किसी का देख के फिल करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका देख के आपने ही फिल किया हो, उसका जो सुटेबिलिटी फॉर दी पोस्ट है वो किसी दूसरे ने भी फिल किया होगा, तीसरे ने भी फिल किया होगा। इंटरव्यू वाले के सामने जब आपका बायोडाटा जाएगा तो वहाँ से एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि कॉपी पेस्ट वाला आइटम है ये, तो आपको वो काम नहीं करना। किसी का आप सुटेबिलिटी फॉर दी पोस्ट, हर कैंडिडेट की अलग होती है, हर कैंडिडेट अपने आप में यूनिक होता है, तो आपकी अपनी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, यूनिक स्किल्स हैं, उनको उसके अंदर मेंशन कीजिए, किसी की कॉपी मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने से आपको नुकसान हो सकता है। आप अपनी क्वालिटीज़ देखिए, क्वालिटीज़ के कुछ हिंट मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। एक टीचर की क्वालिटीज़ में ये है कि आप टीचिंग को किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आप रिजल्ट को कैसे बेहतर ला सकते हैं, कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो स्कूल आने के लिए उसे आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल डिस्टेंस बच्चों से कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी क्लास में आप फ्रेंडली माहौल भी बना के रख रहे हैं और एक प्रोफेशनल डिस्टेंस भी मेंटेन करके रख रहे हैं, जो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक स्पेशल डिस्टेंस होनी चाहिए। आप बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना पसंद करते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आप अपने जो स्किल्स हैं उसको, अपने टीचिंग को बेहतर बनाने में, बच्चे का रिजल्ट बेहतर लाने में और बच्चे को मोटिवेट करने में, बच्चे को अच्छी ज़िंदगी के लिए तैयार करने में कैसे मदद करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर डाल देंगे। बाकी आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ होंगे अच्छे से, वो आप उसके अंदर डाल दीजिए। किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कई जो साथी हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि उनका रिजल्ट रिसेंटली आया है तो उनके पास कोई एक डिग्री नहीं होगी। तो देखिए, आपके पास मार्कशीट होना तो ज़रूरी है, मार्कशीट तो होनी ज़रूरी है। अगर आपका अभी रिसेंटली ही रिजल्ट आया है और मार्कशीट भी नहीं आई है तो उसका ऑप्शन ये हो सकता है कि इंटरनेट से जो रिज़ल्ट डाउनलोड हुआ है आप वो रिज़ल्ट रखेंगे और उसको अटेस्ट करवा के रखेंगे, या फिर डिजीलॉकर में अगर आया तो उसको आप वहाँ से करवा के अटेस्ट करवा के रख लेंगे फोटोकॉपी को, ठीक है। डिजीलॉकर वाला आप वहाँ पे उनको दिखा भी सकते हो, डिजीलॉकर वाला वैलिड है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिग्री के समेत होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो देखो ऐसी कोई समस्या नहीं, आपको इंटरव्यू तो देने देंगे, इंटरव्यू से तो बाहर नहीं करेंगे, बट बाद में आपको एक टाइम लिमिट मिलेगी, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंटरव्यू की ज़रूरी बातें हैं, काफ़ी बातें हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपके जवाब दे ही रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।